गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस के संबंध में अध्ययन करेंगे। इंटरफेरेंस की खोज सर्वप्रथम सन 1957 ईस्वी में आइजैक और लिंडनमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। विभिन्न मनुष्यों पर किए गए अपने प्रयोग में आइजैक और लिंडनमान नामक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स का श्रवण करती हैं जो ऊतक द्रव्य में प्रसरित होकर के अपने आसपास की पाई जाने वाली असंक्रमित कोशिकाओं अर्थात स्वस्थ कोशिकाओं में विसरित होकर के उन स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं के संक्रमण से रोकते हैं। यह प्रोटीन्स यानी विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित होने वाली यह डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स ही इंटरफेरेंस कहलाती है। इंटरफेरेंस असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक कर विशेष प्रकार के एंजाइम के संश्लेषण को प्रोत्साहित करती हैं जो वायरल mRNA को नष्ट करके उनकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। इसके अलावा इंटरफेरेंस स्वस्थ कोशिकाओं के वायरल संक्रमण को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती हैं। इंटरफेरेंस मैक्रोफेजेज कोशिकाओं की फैगोसाइटोसिस अर्थात कोशिका भक्षण की क्रिया को प्रोत्साहित करते हैं और यह मैक्रोफेजेज कोशिकाएं जिसमें फैगोसाइटोसिस की क्षमता होती है यह कोशिकाएं विषाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। साथ ही इंटरफेरेंस एंटीबॉडीज उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं तथा टी लिम्फोसाइट सेल्स की साइटोटॉक्सिक क्रिया को भी प्रोत्साहित करते हैं। और आप जानते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं यही शरीर का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम अर्थात उपाधित प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं और इंटरफेरेंस विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं के आसपास पाई जाने वाली अनेक स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं के संक्रमण से रोकते हैं। अतः यह कहा जाए कि इंटरफेरेंस विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं के आसपास पाई जाने वाली स्वस्थ कोशिकाओं को इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं जिनसे वे कोशिकाएं विषाणुओं के संक्रमण से बच जाती हैं। इंटरफेरेंस के इसी गुण के कारण इसका उपयोग कैंसर तथा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के उपचार में भी प्रयोग किया जाता है। अब आप यह जान गए होंगे कि इंटरफेरेंस विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित होने वाले एक विशेष प्रकार के डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स हैं जो आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को उन विषाणुओं के संक्रमण से रोकते हैं। यह प्रश्न कई बार TGT और PGT की परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक उसको शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।